The film is called Fairy Folk. It's about basically this one woodland sort of एक जंगल से एक creature आता है और एक शादीशुदा couple जो रहते हैं वहाँ पे एक city बॉम्बे के अंदर वो उनकी जिंदगी में अंदर enters कोई वो जिंदगी में आता है जिंदगी के घर के अंदर आ जाता है प्रस्तुत या that's the word तो फिर हम देखते हैं कि उसके साथ क्या होने वाला है एक बार जब वो अंदर घुस जाता है उनके घर के अंदर इसलिए हमें ना इस फिल्म की लाइंस इंप्रोवाइज करनी पड़ी क्योंकि अगर करण हमारे लिए हिंदी में डायलॉग लिखता ये होने वाला था तो यही होने वाला था बट बेसिकली इट्स उसका जॉनर है मैजिकल रियलिज्म मतलब कि थोड़ा सा फैंटेसी होता है उसके अंदर और काफी रियलिस्टिक है पिक्चर क्योंकि हमने इसको इम्प्रोवाइजिंग एक टेक्निक होता है उसमें हमने किया था जहाँ पे डायलॉग सब एक्टर्स करते हैं मैं लिखता नहीं डायलॉग सो एक्टर्स जब जैसे हम एक्शन बोलते हैं उनका जो भी वर्ड्स आप सुनोगे पिक्चर के अंदर जो भी डायलॉग आप सुनोगे ये सब एक्टर्स ने बनाया तो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी रियलिस्टिक जैसा फिल्म होता है तो आपने जानबूझ के कपड़े को ही लिया यस या जानबूझ के या एग्जैक्टली मैं चाहता था कास्टिंग मुकुल की वजह से हुई कि मुकुल की कास्टिंग मेरी वजह से आई थिंक यू नो द मुकुल की कास्टिंग रसिका की वजह से आई वी ऑल नो द आंसर टू द क्वेश्चन यू टू मिजर एंड आई एम वेरी हैप्पी मतलब जैसा कि करण ने कहा कोई भी लाइन लिखी नहीं गई थी आमतौर पर जब भी आपको स्क्रीन प्ले मिलता है तो उसमें सारे डायरेक्शंस लिखे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है क्या बोल रहा है और बहुत ही डिटेल्ड होता है स्क्रीन प्ले इसमें हर सीन का एक ढांचा था तीन चार लाइनें लिखी गई थी कि सीन से करण क्या चाहता है तो उसी इन्फॉर्मेशन के साथ और करण ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन अपने कैरेक्टर के बारे में दी थी मुकुल को उसके कैरेक्टर के बारे में और फिर हमने सीन्स इम्प्रोवाइज़ किए और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया क्योंकि फॉर एन एक्टर दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन ऑल्सो क्योंकि हम इम्प्रोवाइज़ कर रहे थे हमें फिल्म लीनियरली शूट करनी पड़ी मतलब जिस ऑर्डर में आप सीन्स को देखते हैं फिल्म में वैसे ही हमने शूट किया आमतौर पर फिल्म ऑर्डर में नहीं शूट की जाती वो लोकेशन ब्रेकडाउन के हिसाब से या एक्टर्स की डेट्स के हिसाब से शूट की जाती है तो उसमें भी एक्टर के लिए एक्टर का काम और भी आसान हो जाता है आपने ऑर्डर में शूट किया हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान नहीं देना पड़ता है कि उस सीन में क्या हुआ था क्योंकि आपने अभी शूट किया है सो इट वाज एन एक्टर्स डिलाइट इन एवरी वे अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं ज़रूर करूँगी और इससे ज़्यादा मैं कहूँगा दिस इज़ अ फिल्म अगर आप जैसे करण ने कहा मैजिकल रियलिज्म जॉनर कहते हैं इसको कि हर चीज़ नॉर्मल है आई वुड से इट्स लाइक अ रिलेशनशिप ड्रामा एंड कॉमेडी लेकिन हर चीज़ नॉर्मल है एक चीज़ जो है एक चीज़ मतलब फैंटास्टिकल आ जाती है इनकी ज़िंदगी में लेकिन बाकी जो फिल्म है इट्स अ वेरी रियल स्टोरी अबाउट अ कपल और बहुत फनी है और आपको हंसाता बहुत है और एट द सेम टाइम आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे कि रिलेशनशिप्स के बारे में मैरिज के बारे में जेंडर आइडेंटिटी के बारे में तो इट्स अ टचिंग फिल्म आल्सो बट ह्यूमर के जरिए से इससे पहले भी आप तीनों ने एक साथ काम किया है इन दोनों ने हम दोनों ने तो वो कैसा था वो कैसे आया आपके पास एक आपके पास कैरेक्टर जो भी था पहली फिल्म हमने एक फिल्म की थी 2011 में क्षय किसी कॉमन फ्रेंड ने मुझे करण से इंट्रोड्यूस कराया था और करण ने कहा मेरे पास ये फिल्म है पैसे नहीं है लेकिन तुम सेंट्रल रोल है तुम करना चाहोगी और उस समय मेरे पास काम ज़्यादा नहीं था मैंने बोला सेंट्रल रोल मिल रहा है ज़रूर करूँगी तो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट फिल्म थी हम लोग शूटिंग पे जब जाते थे तो वो करण के बाइक पे जाते थे और फिल्म में जो कैरेक्टर था उसके कॉस्ट्यूम्स की शॉपिंग हमने एक साथ की थी क्योंकि हमारे पास फिल्म क्रू नहीं था फिल्म टीम नहीं थी हम सब काम चार लोग ही थे सारा काम हम लोग चार लोगों में कर रहे थे फिल्म बना सकते हो ये मतलब करण बना सकता ये जो आपका कैमरा है ऐसा ही कैमरा हमने यूज़ किया था और मैं और हमारे मेरा एक सिनेमेटोग्राफर थे अभिनय गोपाल जी जिन्होंने ये फिल्म भी शूट किया था हम दोनों थे जो पूरा काम कर रहे थे कैमरा के पीछे और कैमरा के सामने रसिका दुग्गल थे और आलेख संगल एक एक्टर थे उनके तो इन दोनों ने सामने का एक्टिंग सब किया था और पर उसी के साथ हमने किया था और वो अच्छी मतलब एंड में जाके हमने वो फेस्टिवल में भी हम लेके गए थे हमने थिएट्रिकल रिलीज भी किया था
और नेटफ्लिक्स पे भी थी और अमेज़न पे भी, तो अच्छा था। कई बार ऐसा भी हुआ था कि जब आलेख का शॉट चल रहा था तो मैं थर्मोकोल लेके खड़ी थी, जब मेरा शॉट चल रहा था आलेख थर्मोकोल लेके खड़ा। बिल्कुल इंडी फिल्म में ये सारी एक्सपीरियंसेस हो जाती है, आप सब डिपार्टमेंट्स का काम सीख लेते हैं। इस फिल्म में भी ऐसा कुछ था नहीं, इस फिल्म में हमारे पास 10 लोग थे, अपग्रेड हो गया हमारा सिचुएशन। हमारे पास पैसे थे ये नहीं कि बहुत, वो मतलब इतना कम, वो इतना बुरे दिन नहीं थे, तब मतलब वो बुरे दिन भी नहीं थे। हाँ एनीवे अच्छी ये बहुत अच्छी बात है, चार लोगों के साथ काम करना, फिर 10 लोग अभी देखते हैं आगे कितने लोग अभी 4,000 नहीं, मुझे लग रहा है ये सीधा कुछ बहुत बिग बजट बनाने वाला है करण इसके बाद, वो गेम ऑफ थ्रोन्स बनाते हैं। आप कितना बिलीव करते हैं फेरी टेल्स में? फेरी टेल्स में बिलीव तो नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग कहानियां हैं और बचपन से सुनते आए हैं तो एक तरह से वो हमारे बचपन का हिस्सा भी है, तो फैसिनेटिंग है, इमेजिनेटिव है और हाँ तो पसंद है, कहानियां सुनना और पढ़ना पसंद है। नहीं मैं वही कहूँगा, बहुत बहुत मतलब इंटरेस्टिंग कहानियां हैं और एक चीज़ है कि मतलब फेरी टेल्स के ज़रिए से मतलब जो मैजिकल क्रीचर्स हैं या जो मतलब जो चीज़ें जो नॉर्मल दुनिया में नहीं होती हैं उनके ज़रिए आप काफ़ी कुछ बोल सकते हो जो आप नॉर्मल कहानियों में नहीं बोल सकते हो। तो बहुत सारे जो हमारे माइथोलॉजी है, फेरी टेल्स हैं, ये इतने पॉपुलर भी है क्योंकि इसमें कुछ सीखने को मिलता है या मतलब जो हमारी आम जिंदगी के बारे में, तो दैट्स क्वाइट समथिंग एंड इस फिल्म भी यही करता है। फैंटेसी के थ्रू आप रियलिटी के बारे में बहुत कुछ कह सकते हो। मुझे तो फेरी टेल्स में मुझे ये बहुत पसंद आता है कि जब भी आप सोर्स देखो फेरी टेल्स के जहाँ से वो शुरू हुए थे, वो हर बार एक्चुअली एक मेलनकॉलिक एक बुरी जगह से वो शुरू हुए और वो शुरू हुए क्योंकि वो बुरी जगह को थोड़ा सा अच्छे बनाने की कोशिश करते थे, तो उसके जो बच्चे हैं जो वो बड़े हो रहे हैं उसी जगह पर, उनको ये कहानियाँ सुना सुना के वो थोड़ा सा उसी सिस्टम को थोड़ा सा अच्छा करना चाहते थे। जैसे एक सिंपल सा कहानी भी था वो जो रिंगा रिंगा रोजेज पॉकेट फुल ऑफ रोजेज, दैट्स एक्चुअली इट्स मीन टू बी सम बॉम्ब or no, nuclear it's a plague. bomb it's huh? a plague it's a plague ringa ringa rose is plague like, but it was made based on the gana that is there, no? That people sing around the thing and we all fall down, they all die. Yeah, it's all dying. Yeah, yeah, yeah. That's the play part. Yeah, yeah. That's pretty cool. And keep it going. Yeah, hamari film like yeah. That's any. But yeah, but that's what's fun about fairy tales. Yeah.